और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र के लोगों को दी सौगात। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना के पहले चरण का किया उद्घाटन। कहा सोनी योजना पर हर गुजराती को होगा गर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सतर्कता से बची दूरदर्शन के एक कैमरामैन की जान। गुजरात के जामनगर में सोनी प्रोजेक्ट के उद्घाटन को कवर कर रहा था कैमरामैन। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा आतंकवाद से निपटने में अन्य देशों के साथ पाकिस्तान को भी होना चाहिए शामिल। दूसरे रणनीतिक और वाणिज्यिक बातचीत में जॉन केरी ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है अमेरिका। अमेरिका भारत अफगानिस्तान त्रिपक्षीय वार्ता की घोषणा। सुषमा स्वराज ने कहा आतंकी गतिविधियां और वार्ता नहीं चल सकती एक साथ। भारत और अमेरिका खुफिया जानकारियों को साझा करने पर हुए सहमत। जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र भी बातचीत में शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा दोनों देशों के बीच संबंध इस समय शिखर पर। कश्मीर में हालात सामान्य की ओर। पुलवामा से हटाया गया कर्फ्यू। सड़कों पर दिखी चहल पहल। दिल्ली में गृह मंत्रालय ने की घाटी में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी। केंद्र सरकार ने की न्यूनतम मजदूरी में 42% की बढ़ोतरी। गैर कृषि कार्यों से जुड़े मजदूरों को मिलेंगे 350 रुपए रोजाना। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को संशोधित दर पर बोनस दिए जाने का ऐलान। सरकार ने एटीएस मुद्दे पर शरद पवार के आरोपों का दिया करारा जवाब। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति ठीक नहीं। कहा आतंकवाद का नहीं होता कोई धर्म। जीएसटी विधेयक को पारित कराने वाला मिजोरम बना 13वां राज्य। जीएसटी पर गोवा विधानसभा का विशेष सत्र आज। आतंकी संगठन आईएसआईएस प्रवक्ता और अबू बकर अल बगदादी के बाद संगठन का दूसरा ताकतवर नेता अल अदनानी मारा गया। अमाक न्यूज एजेंसी के मुताबिक एलोपो में चल रही सैन्य कार्रवाई के दौरान उसे मारा गया। पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का अरविंद केजरीवाल पर आरोप। कहा पंजाब चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल ले रहे हैं खालिस्तानी अलगाववादियों से मदद। कहा पंजाब को अस्थिर करने की साजिश। भाजपा के राज्यसभा सांसदों की आज होगी बैठक। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे डेंगू और चिकनगुनिया के मामले। जिस तेजी से चिकनगुनिया के मामले सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि टूट सकता है साल 2008 का रिकॉर्ड। सोमालिया के प्रेसिडेंशियल प्लेस के गेट के पास ट्रक बम विस्फोट। मरने वालों की संख्या पहुंची 20। 30 से अधिक लोग हुए घायल। अल शबाब ग्रुप ने ली विस्फोट की जिम्मेदारी। लंदन ओलंपिक में 60 किलो भार वर्ग में जीते योगेश्वर दत्त का कांस्य पदक होगा रजत में तब्दील। भारतीय पहलवान ने ट्वीट कर दी ये जानकारी। इंग्लैंड ने वनडे में किसी भी टीम की तरफ से बनाया सर्वाधिक स्कोर। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में निर्धारित 50 ओवर में बनाया। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।